आज मैं खोलने वाला हूँ अपना पुराना कंप्यूटर, जो सही हो भी सकता है या नहीं भी। तो देखिए मैं आज आपको अपना रूम भी दिखाऊंगा। चलिए, ये है मेरा पुराना कंप्यूटर, ये जो सही हो रखा है फिर भी अभी थोड़ा। और ये है मेरा रूम, आप देख ही सकते हैं यहाँ पर बिस्तर लगा रखा है मैंने, और यहाँ पर रखा है कंप्यूटर, ये है कुर्सी, यहाँ पर अभी सोफा आएगा थोड़ा सा, और यहाँ मेरी पढ़ने की चीजें मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, हो कैसी है, बेकार से रखी लगी मैंने। तो हम इसे खोलते हैं, अब पहले यहाँ से खोलना है इसे, फिर उसके बाद इसका यूपीएस खोलना, इसका यूपीएस खोलना पड़ता है, उसके बाद पड़ता है इसका सीपीयू खोलना, तब जाके कंप्यूटर खुलता है। थोड़ा सा ऐसा टाइम लगाएगा लेकिन खुल जाता है। ये इसका माउस होगा, आपको पता होगा, लेकिन इसके स्पीकर खराब हो चुके हैं अब, तो खुलने में थोड़ा सा टाइम लगाता है ऐसे करके। बाकी ये मेरी हार्ट है, अगर मुझे रात को सोना होता है यहाँ पर सो जाता हूँ। ये मेरा पंखा है, यहाँ पर पंखा आराम से, फैन, टेबल फैन लगाया, बाकी मैं एसी लगाने की सोच रहे हैं, लगता है नहीं लगता है पता नहीं। तो यहाँ पर से ये स्टार्ट होने लगा, ये है सीपीयू, सीपीयू खोलने के बाद ही खुलता है। तो ये विंडोज 7 अल्टीमेट है, पहले इसमें विंडो 10 थी जो कि क्रैश हो गई थी, इस वजह से विंडो 7 डालनी पड़ी हमें इसमें। और ये कुछ इस टाइप का है कंप्यूटर, ये मेरा फ़ोन है, बाकी ये दूसरा वाला भी मेरा ही फ़ोन है, कभी इससे बनाता हूँ वीडियो तो कभी इससे बनाता हूँ। ये है इसका माउस, ठीक है। अब जैसे देखो इसमें, वैसे मैं सही चल रहा है वैसे, अभी ये थोड़ा बहुत तो आता है मेरे को चलाना, ज़्यादा तो नहीं आता। बाकी इसमें अंदर देखा जाए तो माय कंप्यूटर भी सही काम कर रहा है, ये तो मैं यहाँ से निकाल देता हूँ अपने लिए कुर्सी। कुर्सी निकालने के बाद मैं यहाँ रखूँगा इसे और कंप्यूटर चलाने लग जाऊँगा। ऐसे ब्लॉग के लिए बने रहिए मेरे साथ, मनोज सिंह 2 में। धन्यवाद।